वो जॉनथन है, वो 1 vs 3 से 1 vs 4 ना उनके लाइक रगों में दौड़ता है। डेड ब्रो, ये भी डेड ब्रो, हैकर बोलते। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे TSM Entity Jonathan वर्सेस Godel Jonathan की, क्योंकि पिछले 2 साल में Jonathan के गेम प्ले में बहुत सारी चीजें चेंज भी हुई हैं, बहुत स्टाइल उन्होंने चेंज भी किया है काफी चीजों का, और उनका कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो एकदम सेम ही रही हैं। तो आइए जरा नजर डालते हैं उनके क्लचेस के कंपैरिजन पे। सारे के सारे अंदर ऐसे केसेस में भी जब सामने ओपन में 3-3 बंदे होते थे तब भी तुम ये देखते थे कि ये ओपन जिगल देते थे, पूरा लॉन्ग जिगल। इनका फोकस तब मेनली जिगल पे रहा करता था। और एक बार एम देखो, जैसी गन चलनी स्टार्ट हुई सारी बुलेट्स आपको कनेक्ट होती हुई दिखेंगी ऑलमोस्ट। इनकी एक्यूरेसी कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल रहा करती थी, स्पेशली क्लोज रेंजेस में, क्योंकि तब इनके पास में थोड़ी सी फ्रीडम रहा करती थी। सामने वाले ओपनर्स जो होते थे उनका एम आज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा वीक हुआ करता था पहले, लेकिन आज के टाइम पे बंदे भी थोड़े तेज हो गए हैं जिसकी वजह से फ्रीडम थोड़ा सा कम रहता है ओपन जगल फाइट्स का। तो इनकी अप्रोच कुछ ऐसे बदली। अभी तुम उनको देखोगे इस तरीके से पीक्स करते हुए कवर के पास से चिपक चिपक के फाइट लेते हुए, ये अपने कैरेक्टर को कवर से जितना पास हो सके उतना ज्यादा चिपका के रखते हैं आज के टाइम पे। जबकि तुम यहाँ पे देखोगे TSM Entity में रहते थे जब ये, तब ये कवर से हल्का सा बाहर आके फाइट लेते थे, और अगर 3 या 4 बंदे भी ओपन से रश करते थे तो भी ये इस तरीके से थोड़ा सा मारते थे इनको। अब तुमको TSM Entity Jonathan का ये वाला क्लच तो बहुत अच्छे से याद ही होगा। ये चाहे ओपन एरियाज हो या फिर अपार्टमेंट्स हो, ये पहले सीधा सीधा घुस के फाइट लिया करते थे जिगल मार मार के। एकदम मुंह पे घुस रहे हैं और फिर से जिगल दे रहे हैं, यहाँ पे भी एनिमी के एकदम सामने आए और फिर जिगल दे के मारा। लेकिन अब ये स्ट्रेटेजी इनकी थोड़ी सी चेंज हो गई है, अब ये थोड़ा सा रिलाय करते हैं अपनी पीक्स पे और ADS पे, और उसको जाके कम्बाइन करते हैं अपनी क्लोज रेंज के साथ में। TSM Entity के टाइम पे तुम लोगों ने देखा कि ये सीधा घुस जाते थे फाइट लेने के लिए, लेकिन इस बार इनके पास में शॉटगन होने के बाद भी UMP पे स्विच करते हैं, अभी भी आगे नहीं जाते, शॉटगन दिखा के वापस आ जाते हैं, फिर ADS खोल के मारने लगते हैं। यहाँ पे नॉर्मली अगर TSM Entity के टाइम वाले होते हैं तो सीधा सीधा फाइट लेते, सीधा मुंह पे घुस के जिगल वाली फाइट मारने लगते, लेकिन यहाँ पे फिर से वेट करते हैं, UMP से डैमेज देते हैं, ADS से डैमेज करने के बाद में भी ओपन जिगल वाली फाइट नहीं लेते हैं, उसमें भी ADS खोल के मारते हैं, और उसके बाद शॉटगन से स्विच करने के बाद जाके घुसते हैं सीधा मुंह पे। इसमें है। अब इस एग्जैक्ट मोमेंट पे अगर Godel Jonathan होते तो बहुत पहले ADS खोल चुके होते, लेकिन लोअर ग्राउंड पे रहने के बाद में भी ओपन जिगल वाली फाइट देते हैं प्रॉपर। सीढ़ियों में जबकि ज्यादा एरिया नहीं होता मूव करने का तब भी यहाँ पे जिगल दे रहे थे, जबकि Godel Jonathan होते तो यहाँ से वो नीचे ऊपर नीचे जाते और फिर ADS खोल खोल कर मारते। और इसके बाद भी आप देखोगे कि ये तीसरे बंदे के लिए भी ऊपर घुसते हैं और सीधा घुसने के बाद में भी ओपन जिगल वाली फाइट ले रहे थे पूरा, जबकि Godel Jonathan को अब स्ट्रैटेजीज बना के आगे पुश करना होता है, और ये थोड़ा सा फिर से ADS पे रिलाय करते हैं इन सब चीजों के लिए। जहाँ पे आपने ये देखा था कि अपार्टमेंट्स में ये सीधा सीधा घुस जाते थे, वहां पे Godel Jonathan इस तरीके से फाइट लेते हैं थोड़ा जहाँ आगे वाला बंदा सीधा घुसता चला जाता है आगे की तरह, ये पीछे रह के प्री फायर देते हैं ADS खोल के, और वहीं से बंदा निकलता है। अभी यहाँ पे भी देखो आराम से वेट करते हैं, आसपास TP भी लेते हैं, देखते हैं बंदे कहाँ हैं।
अब ये चीज इनकी कभी भी नहीं बदली। देखो अभी अभी इन्होंने यहाँ पे स्क्वाड मारी है, लेकिन पीछे से M4 चलने की इनको साउंड आ गई, केवल दो टैप्स, तो तुरंत भाग जाते हैं। और देखो ये करते हैं, हमारे ऊपर एक बंदा है। और ये स्प्रे तो इनकी कुछ ऐसी चीज रही है जिसका कोई जवाब रहा ही नहीं है कभी भी। ये चीज तो इनकी TSM NTT के टाइम पे भी अनबीटेबल थी और गॉडल के टाइम पे भी है। एग्जांपल के लिए देखो ये वाला क्लच। एक बार नंबर ऑफ बुलेट्स देखो यार, आज के टाइम पे भी कितने सारे बंदे मीडियम रेंज में मारने के लिए इतने सारे बुलेट्स यूज करते हैं। ये TSM NTT के टाइम पे इतनी सी बुलेट्स 200 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे मारने में लेते थे। और ये आइकॉनिक क्लच तो आपको याद ही होगा, जहाँ पे चार बंदे मुंह पे होने के बाद में भी ये TSM NTT के टाइम पे कवर से बाहर जाके जिगल दे के फाइट ले रहे थे। और यहाँ पे भी 10 HP होने के बाद में भी देखो इस बंदे को भी इन्होंने कवर से बाहर जाके इस तरीके से मारा। 10 HP होने के बाद में भी ये पूरा रिलाय करते थे अपने जिगल पे TSM NTT के टाइम पे। लेकिन आज के टाइम पे वो थोड़ा सा अंदर की तरफ रहते हैं और एनिमी को पुश करने पे भी थोड़ा सा मजबूर करते हैं और प्री फायर वाला गेम रखते हैं। इस चीज के बारे में मैंने इस वीडियो में भी बात करी थी। अभी जो क्लोज रेंज को लेके अप्रोच मैंने बताई, वो सारी चीजें मैंने इनको क्लासिक्स में करते हुए नोटिस करी। लेकिन जब बात कंपेटिटिव की आती थी तो इनकी स्ट्रेटेजी पूरी चेंज हो जाती थी इन सब चीजों से, एज इफ ये अपने ओपोनेंट्स को इन्हें फेस करने के लिए प्रिपेयर करने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं देना चाहते। जैसे कि TSM NTT के टाइम पे ये वाला क्लच देखो, यहाँ इनका 1v3 होता है ST8 से, जिसमें से पहला बंदा देखो ये राइट साइड से जाके पूरा लेफ्ट चले जाते हैं, पहला बंदा इसमें मर जाता है, फिर प्री फायर में दूसरा बंदा जाता है इनके जिगल के साथ में इस बार। लेकिन तीसरे बंदे के लिए देखिए क्या स्ट्रेटजी यूज करते हैं। क्लासिक्स में ये ऐसे मोमेंट्स में सीधा ओपन जिगल देते थे, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि पूरा राइट जाके पूरा लेफ्ट चले गए। और जब कम्पिटिटिव की बात आती है तो इसी तरीके से स्ट्रेटजीज चेंज करते रहते हैं, मिक्स करते रहते हैं। इनको प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कम्पिटिटिव में, और यही चीज इनकी सेम गॉडल के टाइम पे भी है। जैसे कि बिल्कुल ओपन एरिया में इनके ऊपर फाइट हो गई थी, तो यहाँ पे लेट के इन्होंने पहले स्मोक करे फिर नेड करे, उसके बाद देखो जरा ये चीज। यहाँ बंदे को भी लोकेशन नहीं पता थी और लेफ्ट राइट स्मोक का भी फायदा उठाने के लिए लॉन्ग जिगल दिया, एक जगह रह के जिगल नहीं किया। अब ये वाला बंदा आया तो राइट में जो स्मोक है उसको यूज करने के लिए पूरा राइट में चले गए। अब यहाँ नॉक नहीं मिला और 10 HP थे, तो फिर से कंफ्यूज करने के लिए पूरा लेफ्ट चले गए। अब ये बंदा सबसे ज्यादा ट्रिकी था क्योंकि लोकेशन भी इसको पता थी इनकी, और जोनाथन के पास में कवर के नाम पे केवल एक पेड़ है। अगर ये पूरा बाहर निकलेंगे इस टाइम पे कवर से तो उसको एक गोली चिपकानी है और ये तुरंत मर जाएंगे। लेफ्ट साइड से स्मोक भी था तो उसको देखने में भी थोड़ी सी मुश्किल होती, और लेफ्ट साइड से एक्सपेक्ट भी थोड़ा कम करते हैं बंदे मारने का, इसलिए लेफ्ट साइड से निकल के मारा। अब फिर से वो बंदा लेफ्ट के बाद में राइट से एक्सपेक्ट करेगा तो तुरंत फिर से लेफ्ट साइड गए मारने। अब बंदा स्मोक में है और ये दो बार लेफ्ट से मार चुके हैं तो पूरा राइट निकल गए मारने के लिए। और ये सारी चीजें मिक्स कर करके इन्होंने इतना खतरनाक क्लच निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो पहले एकदम ओपन एरिया में थे, इनको हील भी करना था, सामने से बंदे आए तो स्मोक करके भी इन्होंने खुद ही के लिए एरियाज बनाए, फिर उन्हीं स्मोक को यूज कर करके बंदों को मारा। जो ब्लाइंड स्पॉट इन्होंने यहाँ से स्मोक करके क्रिएट करे थे उन्हीं ब्लाइंड स्पॉट्स को यूज किया था, यहाँ पे बंदे को भी नॉक किया था, पेड़ पे गोली ना पड़ती इसलिए तुरंत लेफ्ट साइड आके लेट के हील किया और फिर वहां से वो क्लच करा जो आपने अभी देखा। तो जोनाथन को कंपेयर उनके ही पास वर्जन से करना चाहिए है। इस चीज का आइडिया मुझे अपनी ही स्ट्रीम करते हुए आया था, तो ये आइडिया कैसा लगा, इसका एग्जीक्यूशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और Lotus 365 को चेकआउट जरूर से कीजिएगा। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।